हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आई हो सब बढ़िया होंगे। हम लोग बढ़िया है गाइस। और अभी बज गए 9:30 होने वाला है और आज है संडे और आज सबकी छुट्टी है। और नाश्ता में पास्ता बना रही हूँ। मैंने पास्ता पहले बॉयल कर दिया था, देखिए। और चाय बनाया था, चाय पी लिया मैंने, दूध गर्म किया है। और यहाँ पर ना मौसम बिल्कुल बहुत कल से मतलब लगातार बारिश हो रही है। और यहाँ पर ना बहुत बारिश हुई, बहुत ज़्यादा। कल परसों से बारिश है और परसों रात से बारिश हुई और कल दिन भर की और कल रात भर और आज भी बारिश हुई है। और यहाँ पर बना रही हूँ पास्ता अभी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? हम लोग ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे। और देखिए गाइस, यहाँ अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है। तीन चार महीने यहाँ पर बारिश कंटिन्यू रहेगी, बट आई एम नॉट हैप्पी बट दिस आई वाज वेरी तो गाइस मैं पास्ता वगैरह बनाती हूँ। तो गाइस हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है और नाश्ता करने के बाद अभी 11 बज गया है। देखिए यहाँ पे धूप निकल गई है अभी। और यहाँ पे मैंने कल के भी थोड़े धोए से कपड़े हैं और आज भी धोए हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए, धूप आ जाती है ना थोड़ा लालच आ जाता है, और जैसे कपड़े डालते हैं बाहर तो वैसे बारिश आ जाती है। और अभी तो सब लोग घर पर है तो मुझे उतना टेंशन नहीं, नहीं तो मुझे भागना पड़ता है कपड़े उठाने के लिए। और यहाँ पर बना रही मैं खाना, और आज मटन बना रहे हो, आज सुबह मटन लेके आए। और देखिए यहाँ पर मटन बना रहे हैं और संडे के दिन कुछ ना कुछ रहता ही है इनका। हम लोग खाते हैं तो फिर छुपाते नहीं, खाते हैं तो फिर छुपाना क्यों है। और यहाँ पे मैं रोटी भी बना रही, चावल बन गए हैं। तो गाइस मैं भी खाना वगैरह बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 4 और देखिए यहाँ पे बारिश आ गई फिर से। और यहाँ पे ना ऐसा ही मौसम रहता है, देखिए अभी अब बारिश ही रहेगी कल सुबह तक, ऐसा ही रहेगा। और अभी रात भर तो रहती है बारिश, रोज़ ही रह रही है रात भर। और यहाँ पे आज नमकीन बना रही मैं घर पे, और यहाँ पे नारियल है, और ये यहाँ पे मैंने करी पत्ता से वॉश करके रख लिया है, ये पॉपकॉर्न है, मूंगफली है, और ये है चने का दाल है, मतलब भुना वाला है दाल, उस पर डालने से ना अच्छा रहता है। और देखिए अभी इनको सारे फ्राई कर लूँगी मैं, उसके बाद नमकीन वगैरह बना लूँगी। नमकीन ना बहुत अच्छे रहते हैं इसके, घर के बनाए हुए ना, मतलब कैसे भी रहने तो लेकिन अच्छा रहते हैं सेहत के लिए। और अभी इनको आदत खाने को तो फिर बाहर से भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, फिर भी लेके आते लेकिन उतना नहीं रहता है, घर में भी बनाए रहते हैं हम लोग कभी कभी, और मैं बनाती रहती हूँ हमेशा। और यहाँ पे मैंने इनको फ्राई कर लिया है, मूंगफली भी फ्राई कर लिया है, और उसके बाद मैं इनको फ्राई कर लूँगी इस तरह से ना, छन्नी में सारे नीचे गिर जा रहे, इस तरह से मैं करछी से थोड़ा निकाली। और यहाँ पर मैंने लहसुन कूट लिया था दरदरा दरदरा, मतलब थीच मार लिया था थोड़ा सा। और अभी यहाँ पर मैं नारियल को फ्राई कर रही हूँ, नारियल को इस तरह फ्राई करने से बहुत टेस्टी लगता है। और करी पत्ता भी फ्राई कर लूँगी, और ज़्यादा समय नहीं लगता, इजीली बन जाता है ये, और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। मतलब ना ये बन जाएगा ना, कब ख़त्म हो गया मालूम नहीं पड़ता, बच्चे खाते रहते हैं और मुझे भी पसंद है, सब लोग खाते ही रहते हैं हम लोग। और आज ना मेरे घर पर ही बस यही काम हो रहा है, मेरे खाने पीने का ही रह रहा है, और सब लोग घर पर है तो कुछ ना कुछ चाहिए रहता है खाने खाने के लिए। देखिए अभी फ्राई करके थोड़ा फूल गया है ये, अभी इसमें नमक डालूंगी और मसाला वगैरह डाल, चूड़ा मसाला रहता है वो डालूंगी इसमें, और सादे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है चूड़ा मसाला ही डालना, इस तरह बनाने से ना बहुत अच्छा रहता है। मैं हमेशा मतलब कुछ भी ज़्यादा चीज़ है मतलब कोशिश करती हूँ घर में ही बना के खिलाऊँ अपने बच्चों को, घर में ही जो भी है, बाहर से बहुत कम लाने की कोशिश करती हूँ इनको ना, बाहर का मतलब बहुत ज़्यादा ये सभी जो पसंद है इनको, नमकीन और मोमोज,
पिज़्ज़ा बर्गर ये सब आजकल ना सबको यही पसंद रहता है। मेरे बच्चों को ही क्या है, बच्चों को क्या है बोलो, बड़े लोग को भी यही ज़्यादा पसंद रहता है, समोसे वगैरह अंडा पैटिस वगैरह हो गए, नूडल्स वगैरह हो गए। और इसकी वजह से ना मैं हमेशा ये चीज़ें घर पे ही बनाने की कोशिश करती हूँ और बनाती भी हूँ, ज़्यादातर बनाती हूँ। और बाहर भी फिर भी ये लोग ना कभी कभी बाहर जाते तो लेके आते, मतलब पार्सल लेके आते हैं, वहाँ पर तो नहीं खाते हैं, घर पर ही लेके आते थोड़ा बहुत कभी कभार, नहीं तो हम घर पर ही ज़्यादा बनाते हैं। और मेरा तो यही काम रहता है बच्चों को बनाने का खिलाने का, यही मेरा काम है और तो कुछ है ही नहीं, बस झाड़ू पोछा कपड़ा वगैरह रहते और ये सब बनाते रहते दिन। और बच्चों को ना कुछ चाहिए रहता है खाने के लिए, और घर में रहते हैं, मेरी बेटी तो अभी घर पे है तो उसको मतलब चाहिए रहता है कुछ ना कुछ, खाते हैं उसको खाने की आदत है ज़्यादा, पर ज़्यादा क्या थोड़ा थोड़ा खाते हैं, उसको चाहिए रहता है पूरा दिन कुछ ना कुछ। इसकी वजह से बाहर से लाने से तो अच्छा है घर में कुछ ना कुछ बनाते रहो, अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा भी रहता है, अच्छा भी रहता है। और देखिए मेरे नमकीन अभी कितने मज़ेदार बने हैं, इनको ना मैं डब्बे में भर के रख देंगी और डब्बा कब ख़त्म हो गया मालूम ही नहीं पड़ता है। और देखिए अभी इतना ही बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए, ज़्यादा बनाने से भी ना बहुत मतलब अच्छा नहीं बनता है बहुत ज़्यादा अभी। तो गाइस अभी बज गए 6 और यहाँ पर ना बारिश की वजह से पूरा पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है बारिश की वजह से, लेकिन उजाला हुआ बाहर, अंदर ना एकदम से अंधेरा हो रहा है। और आज पूरे दिन भर घर पे ही मतलब घर पे ही रह गए, बाहर कहीं गए नहीं, मतलब बारिश की वजह से। दिन में थोड़ा सा धूप आई थी फिर से और बारिश आ गई, शाम को बहुत ज़्यादा बारिश आई है। और तो गाइस अभी चाय वगैरह बनाती हूँ मैं, और अभी चाय नाश्ता का समय हो गया है, चाय वगैरह बनाती हूँ फिर मैं यहाँ पे चाय बनाने लग गई हूँ। और यहाँ पे मेरा बेटा खड़ा है और यहाँ पे ना मैं अजवाइन वाली चाय बना रही हूँ, क्योंकि अजवाइन वाली चाय ना अच्छी रहती है पेट के लिए। और अभी बारिश का मौसम है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है पेट में। और यहाँ पे मैंने अभी शक्कर डाली, यहाँ पे अभी शक्कर डाला है, लेकिन गुड़ वाली बनाएंगे ज़्यादा अच्छी रहती है गुड़ वाली, लेकिन मुझे अभी गुड़ खोलना है अभी ऐसे ही है, इसकी वजह से अभी मैंने शक्कर डाला है इसका। और इसका हैवी मैं हल्दी अभी मैं बिना गुड़ वाली बना रही हूँ, बाद में गुड़ वाली बनाती हूँ ज़्यादा। और अजवाइन वाली चाय पीने में पेट बहुत अच्छा रहता है और बहुत फायदेमंद भी रहता है अजवाइन वाली चाय। तो गाय से भी चाय वगैरह बनाती हूँ, और अभी तो खाना भी बनाना नहीं है, बस थोड़ा सा है दोपहर से, और थोड़ा सा सेमिया वगैरह बनाऊँगी। और मेरा बेटा बोल रहा है सेमिया खाने का मन हो रहा है, और इनके लिए अभी सेमिया बनाएंगे, सेमिया वगैरह बनाऊँगी, अभी चाय वगैरह पी लेते हैं। तो गाइस चाय पीने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ खीर बनाने के लिए, मेरे बेटे को ना बहुत मन कर रहा है तो, और मम्मी बनाओ बनाओ जिद करे तो अभी मैं बनाने लग गई हूँ और बस सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो गाइस वीडियो एंडिंग में यही पकड़ती हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।